या अल्लाह किसे नेक ने मथे लाई क्यों आज घरों नहीं आया नहीं आज थोड़े तो आया पहलवान जी सारिया गल्ला छड़ पुत्र सिर्फ ऐ फे एक दिन मतलब मेरे घर आया नहीं ए ऐ फे पुत्र खालस ऐ ऐ हा सवेर दी दुध ते थले अग बल रही है मजाल है जे दुध चो धुआं निकल रहा हो सुनिया जदों बत्ती जानी है उदों ही दुध ठंडा होना अन्ना है हीटर लाया थले पुत्रे नहीं मन लगता है जीरो दी आगे क्योंकि अक्सर बलदा है घर रात को और बजनी तेरे सीधी मैं दस दिया पहलवान शहजादा हाँ एक लस्सी का ग्लास बना ए गल तेरी पसंद है मेनू क्यों जी तू हमेशा पहला गा के मेरा सर पूरे लाहौर चो लस्सी पीती है पर तेरे नाल दी लस्सी कोई बनाउंदा नहीं मैं कहना कि तेनू वो मजे आ जाने पुत्र ऐसी लस्सी तू जिंदगी नहीं पीती होनी ऐ कुजा तेरा उरे रख ना कुछ और ना विच पाई जाई मैं चाहता कि मैं तेरा जायका चेंज कर दिया क्या बात है सही संगनी बन गई है हाँ जी चल मेरा पुत्र पा के पी ऐ गल तेरी माड़ी लगती मेनू अच्छा जी चीज बनवा के पींदा नहीं गा पहलवान वैसे कोई फायदा नहीं इस मुल्क दे विच क्यों जेड़ा मर्जी कारोबार कर लो लॉस ही लॉस है ए शेख साहब भी अपने शेख रियाज साहब हाँ हाँ इजाज सदर का बेनोई जी सर 50 लाख रुपया शेख साहब ने अपने पुत्र के ब्याह ते लाया अच्छा जी आए हाय ते दर्जी नु 35,000 नहीं दिता रोज चक्कर ला रहे कभी कहते कल लाई कभी कहते जेब बैठे लाती कभी कहते पहुंचा खुला रखता पैसे नहीं दे रहे लेकिन ये कंजूस होंदे ने 50 लाख लाया किथे ओ बड़े कंजूस होंदे ने एक शेख चौथी मंजिल तो थल्ले डिगया डिगदे डिगदे बारी चो वेख्या बुड्ढी रोटियां पका रही डिगदे डिगदे नु कहता जानू दो घट पकाई खा हाय मरदिया मरदिया भी दो पेड़े बचा गया ਇਸ ਕੋਲ ਮਨੂੰ ਰਾਈ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਕਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੇਬਾਂ ਬਹੁਤ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਗੰਡੇ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੈਸੇ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਟ ਭਰਾ ਪਸੰਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬਈ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਦੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਚਾਂ ਹਾਏ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮਰਾਸੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਕ ਕੇ 3-3.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਰਸ ਆਈ ਆ ਕੇ ਦੀ ਖਾਸਾ ਟਾਕੇ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਮਰਾਸੀ ਖਿਜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਕੋ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ